हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा प्रोडक्ट के साथ आपके सामने आया हूँ जो जब बेबी छोटा होता है या न्यू बॉर्न होता है या बेबी 3-4 साल तक का जब तक नहीं हो जाता या 2 साल तक का एटलीस्ट कम से कम नहीं होता है तो बहुत से बच्चे जो हैं 2 साल 1.5 साल तक भी बेड पे यूरिन वगैरह पॉटी वगैरह करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा बेड चादर या मेट्रेस वगैरह गीला हो जाता है जिसको धूप में सुखाना या फिर आजकल हम लोग नॉर्मल छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं जहां धूप सनलाइट सही ढंग से नहीं मिल पाती है। तो उन केसेस में होता क्या है कि बेडशीट को या फिर मेट्रेस वगैरह को सुखाना काफ़ी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसे हम लोग को फिर टेंशन हो जाता है कि कैसे इसको उपाया उसका उसको सुखाया जा सके, ड्राई किया जा सके। इन चीज़ों से थोड़ा सा रिलैक्स पाने के लिए हमने एक नया प्रोडक्ट आपके सामने हम लेकर आए हैं जो कि जिसे कहते हैं हम लोग ड्राई शीट या टोटल ड्राई शीट भी कहते हैं, बहुत लोग उसे मैट्रेस प्रोटेक्टर भी कहते हैं वगैरह वगैरह। इस ढंग से इसको काफ़ी अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसके साइजेस के बारे में मैं बता दूं कि क्या क्या साइजेस अवेलेबल है। ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, 4 साइजेस में हमारे पास में अवेलेबल है। सबसे पहला स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्सेल, ये 4 साइजेस में अवेलेबल है। उसके बाद एक पहले मैं ओपन करके मैं आपको इसका पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ कैसा लगता है, किसका पूरे बास के बारे में बताता हूँ। ये देखिए सबसे स्मॉल वाला मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा सबसे स्मॉल साइज का मैंने ओपन किया है। ये इस ढंग से देखने में होता है। अगर इसकी फैब्रिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऊपर में जो इसमें 2 फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, एक ऊपर अलग फैब्रिक है, बैक साइड में व्हाइट कलर का अलग फैब्रिक आप देख रहे हैं। तो ऊपर वाला जो फैब्रिक है इसे कहते हैं फ्लीस। इस फैब्रिक का नाम है फ्लीस, FLECE फ्लीस फैब्रिक। इस फैब्रिक का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें एयर बहुत जल्दी इधर उधर पास कर सकता है, जिससे क्या है बेबी को इस पे सोए हुए अगर बच्चा सोया हुआ है तो उसे गर्मी नहीं लगेगा, सफोकेशन, इचिंग वगैरह कुछ नहीं होगा। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंदर का फैब्रिक जो है काफी गैप्स इसमें नजर आ रहा है आपको, जिसके कारण क्या है इसके अंदर से एयर काफी अच्छा सर्कुलेट कर सकता है, जिससे क्या है बेबी को गर्मी या फिर इचिंग या इस ढंग से कुछ इश्यूज नहीं आता उसके स्किन पे। इसके अलावा ये फैब्रिक जो है काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है, काफ़ी जल्दी ये फैब्रिक ड्राई होता है। अगर ये गीला हो गया है तो आप इसे इस ढंग से अगर आप झाड़ देते हैं तो ऊपर में जो इसका लिक्विड है, यूरिन वगैरह है, ऊपर के सरफेस में कुछ रहता है, बाकी नीचे चला जाता है। जो ऊपर के सरफेस का लिक्विड है वो ऊपर बाहर निकल जाता है, झड़कर बाहर चला जाता है। और फिर आप अपर सरफेस को टच कीजिएगा तो फिर से ड्राई आपको फील होगा, सूखा सूखा फील होगा। और जो मैक्सिमम लिक्विड होता है वो नीचे की साइड चला जाता है। उसके अलावा ये फैब्रिक जो है एंटी फंगल फैब्रिक होता है और एंटी विनाइल फैब्रिक होता है, जिसके कारण बेबी को किसी ढंग का फंगस वगैरह या फिर यूरिन वगैरह करने के बाद भी बेबी इसमें अगर सुलाते हैं तो किसी ढंग का फंगस वगैरह का बेबी के बॉडी में टेंशन या डर नहीं होगा। और ये एंटी विनाइल फैब्रिक भी होता है। इसके जैसे इसमें बेबी ने यूरिन किया तो इसका लगभग 50-60% यूरिन जो है वो नीचे की ओर दब जाता है, और जो ऊपर में 40-50% रहता है उसे अगर हम झाड़ देते हैं इस ढंग से तो वो वापस से बाहर निकल जाता है, वो अपर सरफेस फिर से ड्राई फील हो जाता है। और जो अंदर गया है वो लीक करके बेड तक, बेड को गीला ना कर दे, इसके लिए हमने यहाँ पे PU फैब्रिक का इस्तेमाल किया है, जिसे इसका फुल फॉर्म है पॉलीयूरेथेन। इस फैब्रिक को हम लोग बोलते हैं पॉलीयूरेथेन फैब्रिक, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है बेबीज के लिए और बेबी के स्किन फ्रेंडली फैब्रिक है, बेबी के स्किन को किसी ढंग का इससे नुकसान होने वाला नहीं है। तो ये था हमारा आपका टोटल ड्राई शीट का आपका जो फीचर्स मैंने बतलाया, ये हमारा टोटल ड्राई शीट का फीचर्स था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसका और क्या बेनिफिट्स है तो ये काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है। हाँ, इसके वॉशिंग केयर की अगर हम बात करते हैं तो आप इसे हैंड वॉश एंड मशीन वॉश दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन खाली ध्यान रहे कि हैंड वॉश करने से इसकी लाइफ ज़्यादा, क्योंकि मशीन में टम्बलिंग जो होता है उससे कई बार होता है कि पीछे का PU मेट्रिक फैब्रिक जो है यानी पॉलीयूरेथेन कटने का चांसेस होता है, लेकिन अगर आपका हैंड वॉश होता है तो लंबे समय तक ये चलता है। हाँ, ध्यान रखिएगा इसे मतलब जैसे कपड़े हम लोग निचोड़ते हैं इस ढंग से निचोड़ना नहीं है, नहीं तो PU कट सकता है, या फिर किसी इसको इस ढंग से वायर के ऊपर ऐसे नहीं ड्राई करने देना है, सूखने देना है, तो PU पीछे का कट सकता है। तो इसके जस्ट इसे वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद में इसे क्लिप के जरिए आप दोनों साइड से इस ढंग से हैंग कर दीजिएगा तो सारा पानी जो है इसके अंदर में ये झड़ जाएगा, और झड़ने के बाद में क्या होगा कि जो भी पानी है सारा झड़ जाएगा और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा ये। और आप नॉर्मल फ्लैट सरफेस में इसको ऐसे डाल दीजिए या आप इसको ऐसे ही हैंग करके रखिए, सारा पानी निकल जाएगा। और सारा पानी निकलने के बाद में
वापस इसे इसको फ्लैट सरफेस में ऐसे डाल दीजिए तो बहुत जल्दी ये पंखे के नीचे भी एक डेढ़ घंटे के अंदर सूख जाता है, आप फिर से रीयूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको जैसे इसके बताया कि इसमें वेरियस कलर्स में आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा, अलग अलग बहुत सारे अट्रैक्टिव कलर्स है, बेबी बॉय बेबी गर्ल्स को ध्यान में रख के लाइट ब्लू ग्रीन पिंक मरून नेवी ब्लू अलग अलग बहुत सारे कलर्स में ही अवेलेबल है। अगर इसके साइजेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने चार साइज बतलाया, स्मॉल मीडियम, तो अगर आप इसमें देखिएगा तो हमारा जो चार साइजेस आता है ये आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ कितना सेंटीमीटर का होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ये सेंटीमीटर्स कितना सेंटीमीटर में आ रहा है, ये पूरा आराम से आप देख सकते हैं ये साइजेस। और अगर हम स्मॉल की बात करें तो 50 सेंटीमीटर × 70 सेंटीमीटर का आता है, मीडियम की बात करें तो 70 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर में अवेलेबल है, और लार्ज की बात करें तो 140 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर में अवेलेबल है, और एक्सल की अगर बात करते हैं तो 140 सेंटीमीटर × 220 सेंटीमीटर में ये अवेलेबल है। इसका लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बताया, लेंथ एंड ब्रेथ आपको ये मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ में, ताकि आपको आसानी से आप अपने यूज के हिसाब से आप ले सकते हैं। जब न्यू बॉर्न बेबी है तो आपका यूजुअली स्मॉल से ही काम चल जाएगा, लेकिन बेबी जैसे जैसे ग्रो करता है तो उस केस में आपको बड़े साइजेस का रिक्वायरमेंट होता है। तो मेरा सजेशन आपसे यही होगा कि अगर बेबी स्मॉल भी है तो आप स्मॉल परचेज कर सकते हैं, न्यू बॉर्न बेबी के लिए स्मॉल या मीडियम परचेज कर सकते हैं। जब बेबी 6 महीने प्लस हो जाते हैं तो आप हमारा एक्सेल साइज या लार्ज साइज परचेज कर सकते हैं। एक्सेल साइज जो है कंप्लीट सिंगल बेड में आपका आ जाता है, जिससे कि बेबी कहीं भी क्रॉलिंग पीरियड में भी होता है, मूव करता है तो कहीं पे भी जाकर यूरिन वगैरह करता है, तो इस पे ही होगा, आपका बेड गंदा नहीं होगा, बेड गीला नहीं होगा। और कलर्स के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास में ये वेरियस कलर्स में अवेलेबल है और 4 साइजेस में अवेलेबल है। तो होप ये प्रोडक्ट आपको आपके बिस्तर को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने में गीलेपन से, बेबी का यूरिन का गीलेपन से काफ़ी हेल्पफुल होगा, और काफ़ी आप इसमें अपने आप को बहुत रिलैक्स फील कर पाएंगे। जो बार बार हमें बेडशीट चेंज करना होता था, बार बार बेडशीट को वॉश करना होता था, इस चीज़ से आपको मुक्ति मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाती है। इसके अलावा आपका मैट्रेस जो है वो भी गीला होने से बच जाएगा, और आपको जस्ट इसी चीज़ को आप दिन भर आपने यूज़ किया, अगर सपोज कर लिए बेबी ने यहाँ यूरिन किया तो इसको झाड़कर फिर आप दोबारा दूसरी जगह बेबी को सुला सकते हैं, फिर वहाँ यूरिन किया फिर उस जगह को झाड़कर आप इस जगह सुला सकते हैं, तो 3-4 बार आराम से चल जाता है। और ये वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी इसमें अच्छा खासा होता है, ये अपने वेट का 8 times मोर वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका एक ड्राई शीट का जितना वेट होता है उससे 8 गुना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, 8 गुना तक ये पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आप इस पे इसी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक ये आपका ड्राई शीट चलने वाला है। तो होप मैंने जैसा प्रिकॉशंस आपको बताया, वॉशिंग केयर वगैरह अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ये ड्राई शीट काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, काफ़ी बेनिफिशियल आपके लाइफ में, डेली लाइफ में होने वाला है, और मदर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। मदर्स को कपड़े धोने से, चादर वगैरह डेली धोने से थोड़ा आराम मिल जाएगा। होप आपको हमारा प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू।